दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि YouTube पर जिसके जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स है वो YouTube से उतना ही ज्यादा पैसा कमाता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। सब्सक्राइबर केवल अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए होते हैं एंड उसके बाद जो भी आपका पैसा मिलता है वो व्यूज के अकॉर्डिंग मिलता है। जितने ज्यादा आपके चैनल पर व्यूज आएंगे उतना ही ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। अब बात आती है कि कितने व्यूज पर कितना पैसा मिलता है। और एक सवाल, मेरे चैनल पर बहुत कम व्यूज आते हैं, लगभग मैं महीने के 25,000 से 30,000 व्यूज आते हैं। तो मैं कितना एक महीने में अर्न करता हूँ, अगर आपको मेरी अर्निंग जाननी तो लास्ट में चले जाइए, आपको मिल जाएगा। और आपको बहुत कुछ सीखना है यूट्यूब से, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, सब कुछ सीखिए। देखिए सब्सक्राइबर्स केवल आपके चैनल को जो है मोनेटाइज करने के लिए होते हैं। मोनेटाइज करने के लिए आपके चैनल पर 1,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और जो भी 3,000 घंटे का वॉच टाइम हो चुका है वो क्राइटेरिया कंप्लीट करेंगे एंड आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। और कैसे करते हैं इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अब हम बात करते हैं कि पैसा कौन कितना कमाता है। तो दोस्तों देखिए व्यूज भी है ना यूट्यूब पर आते, तो अलग अलग कैटेगरी में चैनल्स है, तो अलग अलग कैटेगरी में चैनल्स पर अलग अलग पैसा मिलता है। जैसे कि हमारा चैनल जो है टेक्नोलॉजी में आता है, ठीक है, किसी का एजुकेशनल वीडियो बनाता है, कोई पढ़ाता है, कोई क्या करता है ब्लॉगिंग करता है, कोई रोस्टिंग वीडियो, मतलब अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग जो है उनका आरपीएम होता है, जो यूट्यूब का सीपीएम आरपीएम, तो उसी के अकॉर्डिंग पैसा बनता है। जैसे हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी में, तो टेक्नोलॉजी में अभी यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स के चैनल्स है उनमें 2,000 से लेकर के 2,500 व्यूज पर आपको $1 मिलता है। $1 का मतलब है भाई 80 रुपए के आसपास। अब समझ लीजिए अगर किसी के चैनल पर 2,500 व्यूज आते हैं और 80 रुपए मिलते हैं तो कितना ज्यादा कमाता होगा। और आपने देखा होगा कि लोगों के वीडियो पर लाखों में मिलियंस में व्यूज आते हैं। जैसे कि मान लिया आप देखेंगे एक एग्जांपल के तौर पर आप सौरभ जोशी को ले लीजिए, सौरभ जोशी के हर वीडियो पर लगभग में 5 मिलियन व्यूज आते हैं और उसके एवरेज व्यूज है वो डेली के 10 मिलियन व्यूज है। तो 10 मिलियन व्यूज के अकॉर्डिंग सौरभ जोशी की जो केवल यूट्यूब से अर्निंग कितनी होगी आप समझिए, 10 मिलियन, 1 मिलियन पर बनता है लगभग में 30,000 और 10 मिलियन पे 3 लाख रुपए। तो एक दिन का अर्निंग समझ लीजिए यूट्यूब के माध्यम से सौरभ जोशी 3 लाख रुपए कमाता है। एंड उसके अलावा जितने ज्यादा आपके व्यूज आते हैं उतने ही ज्यादा आपको स्पॉन्सरशिप मिलते हैं। जैसे कि मान लिया सौरभ जोशी को यहाँ पर स्पॉन्सरशिप अगर करनी हो तो कम से कम 40 से 50 लाख रुपए एक स्पॉन्सरशिप का लेगा। मैं आपको अपने बताता हूं, अगर मेरे वीडियो पर 1,000 से लेकर के 2,000 व्यूज आना स्टार्ट हो जाए और मैं किसी भी एप्लीकेशन का प्रचार करूंगा तो कितना पैसा लूंगा आपके अकॉर्डिंग, 100-200? नहीं, कम से कम भाई 1,000 से 2,000 रुपए हमको मिलेगा। और ऐसा लोग करते हैं, तो यूट्यूब से जो पैसा मिलता है उससे कई गुना ज्यादा पैसा लोग स्पॉन्सरशिप के माध्यम से कमाते हैं। तो आप अगर यूट्यूब चैनल को शुरू कर चुके हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है, आपको जानकारी मिल गई। और नहीं किया है तो आज भी, मतलब आज और अभी एक YouTube चैनल शुरू करिए और उसको पार्ट टाइम जॉब के रूप में उस पर काम करिए, अपनी पढ़ाई जो भी आप कर रहे हैं सब कुछ करिए, साथ में YouTube जरूर कमाइए। देखिए सब कुछ करने के बाद आपको करना क्या है, पैसा ही कमाना है। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पैसा ही कमाना है जॉब करके, ठीक है। अगर आपका स्पेशली आपका उद्देश्य है कि मुझे ऑफिसर बनना है या मुझे ये जॉब करनी है तो कोई बात नहीं है। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ हमें जॉब करके पैसा ही कमाना है तो आप पढ़ाई के साथ साथ एक चैनल भी शुरू करिए जहां पर आप लगभग में 1 घंटे का समय दे सकते हैं डेली और आप जॉब के साथ साथ यूट्यूब पर भी सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को नॉलेजबल लगा होगा और अगर यार थोड़ा सा भी आपको नॉलेज आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाकी समझ जाओ लाइक आइक तो कर ही दोगे और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, अपने भाई को दिल को तसल्ली मिलेगी कि हाँ मैंने कुछ बताया आप लोगों को। तो मिलते हैं नए वीडियो में और एक बार कमेंट करें किस टॉपिक पर आपको अगला वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।